चिवड़ला विखराबाद और तांडूर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मरहूम कायद सालार मिल्लत को 6 मरतबा रुकने पार्लियामेंट बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे 1 मरतबा अपनी खिदमत करने का मौका दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो चिवड़ला विखराबाद और तांडूर की आवाम है, यकीन जानिए मैं आपको बहुत याद करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं जानता हूं मैं 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, मैं 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, 99 के 99 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने कैंपेन किया था। मैं आप लोगों की मोहब्बत को सलाम करता हूं मेरे भाई, जो आज वो आपके माँ बाप आपके बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुबहाना ताला उनकी मगफरत फरमा दे कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया था उस पार्लियामेंट के इलेक्शनों में। मैं जानता हूं मेरे भाई, पहली मरतबा जब सालार इलेक्शन लड़ रहे थे तो कैसे आपको वोट डालने से लोग रोक देते थे, गांव में आने नहीं दिया जाता था, मगर आप बहादुरी के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हरे झंडे को लेकर जाते थे आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सामने। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं कि सालार को भी चिवड़ला विखराबाद तांडूर की आवाम से बहुत मोहब्बत थी और मरहूम कायद को जिंदगी में पहली मरतबा अगर हार्ट अटैक हुआ और उसी के बाद उनकी सेहत खराब हुई तो तांडूर में कायद थे और वहां पर किसी काम के इनॉग्रेशन में सालार गए थे तो वहां पर सालार को हार्ट अटैक हुआ, वापस लाया गया सालार को तो सालार अच्छे होने के बाद मुझसे कहे कि जाओ तांडूर में जाकर जो मैं काम देखना चाह रहा था वो नहीं देख पाया मेरी सेहत की खराबी की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तांडूर में मरहूम छत्री पटेल भी थे, बे इंतहा मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी आपकी खिदमत से महरूम तो हो गया मगर मैं कभी भी आपका काम आपकी खिदमत को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे वोट से तो महरूम हो गया मगर आपका खादिम था, हूं और रहूंगा, आपके साथ मैं हूं, मजलिस आपके साथ है। आप हरगिज ये मत समझिए कि सिर्फ रंजीत रेड्डी आपका एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी भी आपका एमपी था और रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरा और आपका एक करीबी कनेक्शन है मेरे भाई, एक करीबी रिश्ता है। आपने मजलिस पर बहुत बड़ा एहसान किया, आपने मेरे कायद को पहली मरतबा एमपी बनाया। लोग नहीं जानते कि सालार सिर्फ 5 या 10 हजार वोट से पहला इलेक्शन जीते थे और आप लोगों की बड़ी मेहनत रही, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ और जब कभी भी आपकी सरजमीन पर आता हूँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमको ये सिखाया गया कि जो तुम्हारी मदद करता है तुम उसका शुक्रिया अदा करो और कभी भी उनके एहसान को मत भूलो। मैं एहसान फरामोश कभी नहीं था न कभी रहूँगा। मैं एक गयूर बाप की औलाद हूँ, मैं एक बहादुर शेर की औलाद हूँ जिसने जिंदगी में उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना हमको सिखाया।